नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो हम जानेंगे इंसुलेशन टेस्टर के बारे में, या इसको मेकर भी कहा जाता है। तो इस वीडियो में पहले इसका अनबॉक्सिंग करेंगे फटाफट से, इसके बाद इसका क्या यूज़ है और इसका यूज़ कैसे करना है, इसको कैसे टेस्टिंग किया जाता है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा प्रैक्टिकली। तो पहले हम इसको खोल के देख लेते हैं। तो ये जो मैंने लिया है मैको कंपनी के स्टैंडर्ड ब्रांडेड कंपनी का है इंसुलेशन टेस्टर, या फिर इसको आप मेकर भी कह सकते हैं, जो मुझे 2000 के अराउंड मिला है। ठीक है, तो इस तरह से ही हमारा आएगा, इस तरह से ये इसमें बैग मिलेगा और ये हमारा इंसुलेशन टेस्टर होता है। और जो टेस्टर होते हैं इंसुलेशन टेस्टर, उसमें दो टाइप के आते हैं, या इसको मेकर भी कहा जाता है। तो हैंड ऑपरेट भी आते हैं और इलेक्ट्रॉनिक टाइप की भी आते हैं, और जो डिजिटल टाइप होते हैं उसमें भी होते हैं। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक टाइप है, यहाँ पर सिंपल इसको हम प्रेस करेंगे और जो इसकी रेटिंग आप देख सकते हैं, ये 1000 वोल्ट रेटिंग का है और 200 मेगा ओम का है। ठीक है, 200 मेगा ओम तक के रेजिस्टेंस को मेज़र कर सकते हैं, और 1000 वोल्ट हम इसको प्रेस करेंगे तो हमें आउटपुट में 1000 वोल्ट मिलेंगे। यानी कोई भी हम चेक करेंगे किसी भी चीज़ को, तो वो हमको 1000 वोल्ट तक हम उसको सप्लाई देंगे, तो जिससे कि उसका हम इंसुलेशन, उसका रेजिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं। तो जो ये हमारा मेकर या इंसुलेशन टेस्टर होता है, तो उसका जो मेन यूज़ है कि जो भी हमारे जो हमारी जनरेटर है, मोटर है, जो वाइंडिंग है, तो अगर आप उसका रेजिस्टेंस चेक करना चाहते हैं, तो ये इंसुलेशन टेस्टर की अच्छे उसको उसका रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं, उसकी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, उसका अटेस्ट भी चेक कर सकते हैं। यानी इसके अच्छे हम कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट कर सकते हैं और अटेस्ट भी कर सकते हैं। तीन टेस्ट हम इसकी हेल्प से कर सकें, जिससे कि कोई हमारी वाइंडिंग होगी, मोटर होगी, उसके अंदर जो हमारे केबल होंगे, तो केबल को हम उसका इंसुलेशन अगर वीक होकर जो हो चुका हो, तो इसकी हेल्प से हम चेक कर सकते हैं। तो इसका काफ़ी इंडस्ट्री में एप्लीकेशन काफ़ी इसका यूज़ होता है। तो हम इसका कैसे यूज़ करना वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके साथ ये दो प्रॉप दिए गए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये 1000 वोल्ट तक का है, 500 वोल्ट के भी आते हैं और 2000 वोल्ट के भी आते हैं। ठीक है, तो अभी मेरे पास 1000 वोल्ट का है और 200 मेगा ओम की रेटिंग का है। तो इसके साथ ये प्रॉप दिए जाते हैं इस तरह से। तो पहले जब आप नया परचेस करने जाओगे, तो इसको चेक कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको इस तरह से यहाँ पे नेगेटिव में डालेंगे और ये हमारा जो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इस तरह से। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि जो प्रॉब इसको हमें ओपन रखना है और इसको प्रेस करना है। तो पहले इसको ओपन रखना है। तो आप जब इसको ओपन रखोगे और ये टेस्ट लिखा है वहाँ पर, उसको प्रेस करोगे इस तरह से, तो ये इन्फिनिटी बताया यहाँ पे, देख सकते हो ये इन्फिनिटी है। जैसे इसको मूव करते हो थोड़ा फ्लक्चुएशन होगा, मगर जैसे प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपको इन्फिनिटी बताना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे इन्फिनिटी यहाँ पे है और ये जीरो का रीडिंग यहाँ पे आएंगे आपका। ठीक है, तो और ये बीच में जो जितने भी रीडिंग है वो मेगा ओम में आएंगे। ये लिखा है तो 1 मेगा ओम, 2 मेगा ओम, 5 मेगा ओम, 10 मेगा ओम। ठीक है, 200 मेगा ओम तक का रेटिंग का है। तो जैसे मैंने आपको बताया, इसको हम ओपन रखेंगे और इस जो टेस्ट वाला ये बटन उसको प्रेस करेंगे, तो ये इन्फिनिटी बताना चाहिए। यानी अभी ये इन्फिनिटी बता रहा है, तो ये हमारा ओके है। अभी दूसरा हम इसको शॉर्ट करेंगे, इस तरह से इसको शॉर्ट करेंगे, तो हमें रीडिंग में जीरो बताना चाहिए। तो अभी ये जो हमारा टेस्ट है उसको दबाएंगे, प्रेस करेंगे, तो ये देखिए जीरो बता रहा है। तो ये हमारा जो मेकर है या जो हमारा इंसुलेशन टेस्टर है वो ओके है। तो ये आप इस तरह से जब परचेस करने जाओगे तो आप चेक कर सकते हो इस तरह से। अभी हम इसको प्रैक्टिकली जो हमारे केबल है या जो वाइंडिंग, उस पर कैसे चेक करना वो भी मैं आपको बता देता हूं। अभी हम जो ये मेकर उसका टेस्टिंग करते हैं, तो पहले ये देख सकते हैं ये जो केबल है इसका हम कंटिन्यूटी टेस्ट लेंगे। तो पहले हम कंटिन्यूटी टेस्ट चेक करेंगे, उसके बाद हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट लेंगे, और तीसरा जो हमारा अर्थ टेस्ट है। तो पहला हम जो कंटिन्यूटी टेस्ट है, तो इसके लिए मैंने ये कॉइल का यूज़ किया। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसके जो दोनों छेड़ निकाल के रखे हैं, तो इस समय क्या पता चलेगा, यहाँ से जो ये केबल है कहीं पर ब्रेक तो नहीं हुआ या कहीं से ओपन तो नहीं होगा, तो इसकी ये इंसुलेशन टेस्टर की हेल्प से हम इसको चेक कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, सिंपल ये दो वायर को हम जो हमारे जो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे इस तरह से लगा देंगे, और ये जो उसका एंडिंग जो भी पॉइंट है वहाँ पे इस तरह से लगाएंगे, लगा दिया और सिंपल ये हमने यहाँ पे लगा दिया, और ये टेस्ट बटन को टेस्ट करेंगे। तो इसमें जीरो रीडिंग बता रहा है, जैसे देख सकते हैं, तो जीरो रीडिंग बता, इसका मीनिंग क्या, ये जो हमारा पूरी कॉइल है वो ओके है। ठीक है, जीरो रीडिंग बताएगा तो हमारी ये कॉइल ओके। अगर आप इसको प्रेस करोगे और इन्फिनिटी यहाँ पे रीडिंग बताएगा, तो ये कहीं से ओपन हो चुकी है या ब्रेक हो चुकी है। ठीक है, तो इससे मैं कंटिन्यू टेस्ट से ये पता चला है कि ये हमारी कॉइल ओके है। जीरो रीडिंग बताएगा तो हमारी कॉइल ओके होगी, अगर इन्फिनिटी रीडिंग बताया तो ये कहीं से ब्रेक है या ओपन हो चुकी है। तो ये हमारा कंटिन्यू टेस्ट ओके हो गया। इसी तरह आप कोई भी वाइंडिंग होगी उसका कंटिन्यू टेस्ट चेक कर सकते हैं। अभी मैं आपको जो केबल होते हैं, जो हाई रेंज के केबल, उसमें कैसे चेक किया जाता है वो हम जानेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, ये इस तरह से मेरे पास एक केबल है, ये देखिए 4 कोर केबल है। ठीक है, आर्मरिंग केबल है। तो इसमें हम इसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट चेक करेंगे। तो ये क्या करें, इसमें भी बहुत ही सिंपल है। सिंपल अभी मैं ये दो वायर है, तो ये दो वायर मैं इस तरह से लगा देता हूँ, इस तरह से ये प्रॉप को लगा देना है।
ठीक है, इससे हमें ये भी पता चल जाएगा ये केबल कैसे कहीं से अगर पंचर हो चुके होंगे, एक साथ जुड़ गए होंगे तो भी हमें रीडिंग में बता देगा, तो पता चल जाएगा। तो अभी हमने इस तरह से दो वायर में लगाया, ठीक है, ये हमारा देख सकते हैं ये आर्मरिंग केबल है, तो ये हमने लगाया और यहाँ पर हम टेस्ट बटन को प्रेस करेंगे, देखेंगे। तो ये देखिए अभी इन्फिनिटी बता रहा है, इसका मीनिंग के जो जैसे मैं इसको रिलीज करूँगा तो थोड़ा फ्लक्चुएशन बताएगा, इसको आपको ध्यान में नहीं देना, आपको जब मैं प्रेस करूँगा वही देखना है। तो ये इन्फिनिटी बता रहा है, ये मैंने प्रेस करके रखा है, यानी इन्फिनिटी रीडिंग बता रहा है, यानी ये जो दोनों का इंसुलेशन रेजिस्टेंस दोनों के बीच ये केबल के बीच ओके है। अगर जीरो रीडिंग बताता तो यहाँ कहीं से पंचर हो चुका होगा या फिर कहीं से लीकेज हो रहा होगा वो बताएगा, जीरो रीडिंग आएगा तो ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखिए प्रेस कर रहा हूँ इस तरह से, तो इन्फिनिटी रीडिंग बताया, यानी ये दो जो हमारे केबल है वो ओके। इसी तरह आप दूसरे केबल भी चेक कर सकते हैं, इसी तरह एक पे लगा के, यानी कहीं से कहीं कोई केबल शॉर्ट तो नहीं हो चुका है या लीकेज नहीं हुआ, एक साथ जुड़ तो नहीं गया, वो भी आप चेक कर सकते हैं इस तरह से। तो मैं अभी ये दोनों को लगाया, आप देखिए प्रेस कर रहा हूँ, तो ये भी इन्फिनिटी बता रहा है, यानी ये भी ओके है। इसी तरह तीसरे केबल को, तो इस तरफ से जो आर्मरिंग केबल हो गया तो उस तरह से आप इसको चेक कर सकते बहुत ही ईजी वे में। तो ये प्रेस कर रहा हूँ तो ये इन्फिनिटी ही बता रहा है, तो ये है ना सभी हमारे केबल ओके है। ये लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं, तो ये भी इन्फिनिटी बता रहा है, यानी कोई भी हमारा केबल फॉल्टी नहीं है और कहीं से शॉर्ट नहीं हुआ है। तो ये हमने इंसुलेशन टेस्ट भी ले लिया, रेजिस्टेंस टेस्ट लिया, जो जो इसका वाइंडिंग उसका हमने रेजिस्टेंस टेस्ट भी लिया, कहीं से ये फॉल्टी नहीं है। अभी जो अर्थ टेस्ट लेना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, तो इसके लिए मैं आपको एक मोटर पर जाके बता देता हूँ कैसे इसका टेस्ट ले सकते। ये मैंने जो मेगर का जो हमारा इंसुलेशन उसका एक वायर मैंने ये इसके जो बॉडी है मोटर की वहाँ पर लगाया है, यहाँ पर हम अर्थ टेस्ट कैसे चेक करते हैं वो आपको बता देता हूँ। और इसके ये देख सकते छः टर्मिनल है जिसमें से दो दो वाइंडिंग है, यानी तीन वाइंडिंग है हमारी, ठीक है। तो एक आर्मेचर वाइंडिंग होगी, फील्ड वाइंडिंग और हमारी सन वाइंडिंग। तो मैं अभी एक ही वाइंडिंग में यहाँ पे इसके जो बॉडी के साइड इस वाइंडिंग का चेक करना है, तो वो कैसे चेक करते हैं वो हम देख लेते हैं। अभी आप देख सकते होंगे शायद, हाँ ओके, ये मैंने यहाँ पर क्या प्रेस कर रहा हूँ, तो ये देखिए ये मुझे रीडिंग बता रहा है 10 मेगा ओम जितना रीडिंग बना है, ठीक है। यानी जो अगर जो इसका अर्थ टेस्ट में क्या है, अगर ये इन्फिनिटी आता तो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है, मगर यहाँ पे मुझे 10 मेगा ओम का रीडिंग बताएं, फिर भी यानी इतना वीक नहीं है, इसका जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो हमें 10 मेगा ओम जितना बताएं यानी ओके है, इतना बुरा भी नहीं है। अगर इन्फिनिटी आता है तो काफ़ी अच्छा रहता है, मगर जीरो आएगा तो आपका जो अर्थ के साथ इसकी बॉडी शॉर्ट हो चुकी होगी। अगर जीरो रीडिंग बताएगा यहाँ पे, तो अभी तो हमें ये देख सकते हैं यहाँ पे बता रहा है 10 मेगा ओम जितना बता रहा है, ठीक है। अगर जीरो आएगा तो बॉडी शॉर्ट होगी, इन्फिनिटी आएगा तो बहुत ही अच्छा इसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस है। यहाँ पे 10 मेगा ओम जितना आ रहा है फिर भी ओके है, काफ़ी अच्छा है। इसी तरह हम दूसरी वाइंडिंग का भी चेक कर लेते हैं, ये हमारी सन वाइंडिंग का भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे लगा दिया, तो ये देखिए ये भी हमें 20 या 10 के बीच है, 20 मेगा ओम जितना बता रहा है। इसी तरह ये फील्ड वाइंडिंग का भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे लगाया, ये देखिए तो ये हमें काफ़ी अच्छा मिल रहा है, ये देखते फिरते, तो ये भी हमें 10 मेगा ओम जितना बता रहा है। यानी तीनों वाइंडिंग का हमने अर्थ टेस्ट ले लिया है ये मेगर की हेल्प से, तो वो हमारी वाइंडिंग ओके है। जैसे मैंने बताया अगर इन्फिनिटी आता काफ़ी अच्छा रहेगा आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस अर्थ टेस्ट में, और जीरो आएगा तो फॉल्टी होगा, ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना है। तो जो मेगर के जैसे मैंने आपको बताया मेगर में हम तीन टेस्ट कर सकते, कंटिन्यू टेस्ट और हमारा इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट और हमारा अर्थ टेस्ट, तो ये काफ़ी हेल्पफुल है। अगर इसमें आपको कुछ भी नहीं पता चला तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, तो मैं आपको अलग से दूसरा वीडियो बना के समझाने की ट्राई करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।